देश भर में कोरोना की एक बार फिर बढ़ती रफ्तार ने आमजन के लिए खतरा बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीमा परवर्ती राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के चलते नई गाइडलाइन जारी की है। मंदसौर जिले में भी कोरोना की रफ्तार अब बढ़ने लगी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदसौर जिला प्रशासन भी अब सख्ती दिखाते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में काम कर रहा है। साथ ही कोविड 19 के नियमों का सभी पालन करें, इसकी अपील भी आम जन से की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं अधिक भीड़ वाले सभी आयोजनों की अनुमति निरस्त कर दी गई है। दूसरी ओर जिला पुलिस बल कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। पुलिस टीम द्वारा शहर के अलग अलग चौराहों पर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने का काम करते हुए उन्हें मास्क पहनाए जा रहे हैं। वहीं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए उसके लिए उन्हें गुलाब के फूल देकर हाथ जोड़ते हुए कोरोना के प्रति सजग रहने की अपील की जा रही है। इतना ही नहीं, मंदसौर पुलिस शहनाई बजाकर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उन्हें मास्क पहना रही है। शुक्रवार सुबह पुलिस टीम द्वारा शहर के गांधी चौराहा और बीपीएल चौराहा पर यह कार्यवाही की गई, जिससे पुलिस टीम ने कई वाहन चालकों को जो बिना मास्क के घर से निकले थे उन्हें मास्क उपलब्ध कराए और हमेशा मास्क लगाने की हिदायत दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया कि पुलिस की यह पहल सतत जारी रहेगी। वहीं लोगों को कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील की जाएगी। वहीं कोविड 19 के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाएगी। आपको बता दें कि मंदसौर में फिलहाल कोरोना के 84 एक्टिव मरीज हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो पहला और दूसरा डोज अब तक 1700 से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम मुख्यालय सहित जिले भर के नगर व गाँव के शासकीय अस्पतालों में लगातार जारी है। जब कोविड ने यहाँ पर भारत में और विश्व में दस्तक दी थी, तब लोग एकदम से अवेयर हुए थे और अपने प्रिकॉशन के साथ इसको से लड़ने की कोशिश किए थे। समय के साथ कोरोना के असर कुछ कम होने लगा, लेकिन फिर से पुनः नए स्ट्रेन में और नए तरीके से कोरोना पुनः लोगों में आना चालू हो गया है और काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस फिर से स्टार्ट हो गए हैं। हमने पुनः जैसे पिछले साल मार्च अप्रैल के समय में हमने जो अभियान चलाया था, म्यूजिक से अट्रैक्ट करके लोगों को बुलाया, यही इसी तरह का अभियान ने फिर से चलाया है। इसमें हमारे जो गंधर्व जी हैं, म्यूजिशियन हैं, गाना बजाते हैं, उसके माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इस वायरस के बारे में समझें और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मास्क सदा पहनें, सैनिटाइजर यूज़ करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आपका नाम और पोस्ट? अमित वर्मा, SSP मंदसौर। क्या नाम भैया आपका? मनोहर महाता। मनोहर जी, क्या कहना चाहेंगे पुलिस की? पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बुजुर्ग आदमी बैंड बजा के बजा के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को अपनी सावधानी रखना चाहिए, मास्क लगा के घर से निकलना चाहिए, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मनोहर नाहटा। मांगीलाल भाव साहब। मांगीलाल जी, क्या कहेंगे आपको मास्क और ये सब? वो अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। कोरोना के बारे में क्या कहेंगे आप लोगों को? क्या सबको मास्क लगाना चाहिए, जनता बच्चा बूढ़ा सबको मास्क लगाना चाहिए, बिना मास्क जुर्माना लगाओ उसके पास। तो आपको लग रहा है कि महंगे शील्ड वगैरह लोग नहीं ले पाते, पुलिस बांट रही है फ्री में? भाई वाह, पुलिस बांट अच्छा काम कर रही है, पुलिस का बढ़िया काम कर रही है साहब, काम बढ़िया काम कर रही है, बकैना बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या नाम आपका? मांगीलाल भाव साहब।